आदरणीय मोदी जी से अभी अभी बात करके हमने उनको बधाई दी है, बहुत तप किया है उस राजनीति के क्षेत्र में, एक इतिहास बना दिया भगवान राम कृष्ण और चाणक्य के बाद। मैंने कहा था एक चौथी महाक्रांति हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगी और अब उसका परिणाम आ चुका है। गुजरात की भूमि ने बहुत महापुरुष दिए हैं, महर्षि दयानंद बापू जी और सरदार पटेल के बाद एक ऐसे महापुरुष आए हैं जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो एक भारत बनाया था, अब ये श्रेष्ठ भारत जरूर बनाएंगे और दिव्य भव्य भारत का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में होगा। जब मोदी जी का नाम जी का सब संत महापुरुषों ने हरिद्वार में आचार्य कुलम को आगे किया था प्रधानमंत्री पद के लिए, तो एक अनिश्चितता और अविश्वास का के दौर से देश गुजर रहा था और ऐसे में बीजेपी और संघ के बाद यदि कोई गैर राजनीतिक संगठन जिसने अपना सर्वस्व दांव पर लगा करके और सरकार की जुल्म जातियां सह करके यदि खुले तौर पर काम किया तो वो भारत स्वाभिमान था। मैं भारत स्वाभिमान के लाखों कार्यकर्ताओं के साथ साथ सवा सौ करोड़ लोगों ने जी जान लगा करके अपने प्रार्थनाओं पुरुषार्थ के बल पर ये जो विजय दिलाई है उन सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि अब देश की राजसत्ता और अध्यात्म सत्ता एक दूसरे की पूरक होकर के और सवा सौ करोड़ लोग मिलकर के एक दिव्य और भव्य भारत, आध्यात्मिक और आर्थिक शक्ति संपन्न भारत जरूर बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से भी आपने उन्हें पहले उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था और आप तब से उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। जब भाजपा ने भी उन्हें नहीं कहा था कि वो प्रत्याशी होंगे कि नहीं होंगे, इसके लिए आपको तमाम तकलीफें झेलनी पड़ी, तमाम विपक्षियों के आरोपों का सामना करना पड़ा और कार्रवाइयां भी हुई, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के टारगेट पर यूँ तो जितने भी अच्छे लोग थे वो रहे हैं, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह, आचार्य बाक्षण और स्वामी रामदेव, उनके टारगेट पर ये चार व्यक्ति सबसे ज़्यादा थे और हमने कभी इसकी परवाह नहीं की। हमने कहा परिणाम जो भी हो हमें सत्य धर्म और न्याय के लिए काम करना है। और जब मैंने कहा था 300 से ज़्यादा सीटों के साथ मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और देश को एक पूर्ण बहुमत वाली ईमानदार अनुभवी स्थायी और मजबूत सरकार देंगे, तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि जो ईश्वरीय संकल्प था, जो सवा सौ करोड़ लोगों के दिलों की भावनाएं थी, प्रार्थनाएं थी, वो पूरी हुई है। हमारे जाते हुए एक लंबे समय से आप पतंजलि पीठ नहीं है, आपने ऐसा कुछ वचन लिया था कि जब तक नतीजे नहीं आते, मोदी पीएम पद के लिए घोषित नहीं है, तब तक आप वापस नहीं लौटेंगे हरिद्वार पतंजलि पीठ, ये क्या था? भारत स्वाभिमान की स्थापना के करीब इन 5-6 वर्षों में जो है पूरे देश में करीब मैंने 14 लाख किलोमीटर की यात्रा की है और पिछले 2 दशकों में करीब 14 करोड़ लोगों से रूबरू में मिला हूं और अभी इन पिछले ही वर्ष कुछ वर्षों का देखा जाए तो इन 5-6 वर्षों में जब हमने देखा कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ देश का स्वास्थ्य भी खतरे में है, तो कपालभाति के साथ राष्ट्र में जो भ्रांतियाँ थी उनको दूर करने के लिए 10,950 सभाएँ हमने की और 400 जिलों में, 3,000 तहसीलों में और लाखों गांव से होकर के हम गुजरे और 590 जिलों में संगठन खड़ा किया और हम चलते रहे। और पिछले 9 महीनों से मैं पतंजलि पीठ नहीं गया था, अभी तालकटोरा स्टेडियम में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व भी वहां पर होगा, संकल्प पूर्ति महोत्सव के साथ हम 19 तारीख को पतंजलि पीठ 9 महीने के बाद लौट रहे। मोदी तो पीएम बनने जा रहे हैं, लगभग तय है, लेकिन अभी उनके सामने चुनौतियां हैं क्योंकि आडवाणी जी, सुषमा जी, राजनाथ जी से तमाम बड़े नेता हैं जिनके मंत्रालयों को लेकर मतभेद, आपकी क्या राय है इससे? मुझे पूरा विश्वास है आदरणीय मोदी जी सबको साथ लेकर के चलेंगे और घर में यदि कोई थोड़ा बहुत मनमुटाव भी होगा वो दूर कर लिया जाएगा। अब कोई दुविधा की स्थिति नहीं है, सब कुछ शुभ होगा, राष्ट्र का मंगल होगा। आपकी भूमिका सरकार के साथ परोक्ष प्रत्यक्ष रूप से, सलाहकार या किसी और रूप में? मैं किसी पद और पोजिशन के लिए कार्य नहीं कर रहा था, मैं याचक नहीं हूं, मैं एक सन्यासी हूं और एक सन्यासी का राष्ट्र के प्रति जो दायित्व होता है वो निभाते हुए अपने योग, आयुर्वेद, शिक्षा, संस्कार, अनुसंधान का काम मैं पूरी प्रामाणिकता से करूंगा और कालेधन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के सभी मुद्दों पर आदरणीय मोदी जी और बीजेपी का पूरा नेतृत्व पूरी तरह से सहमत है, एनडीए पूरी तरह से सहमत है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमने देश में अपेक्षाएं जगाई उनको मोदी जी और एनडीए निश्चित रूप से पूरा करेगा और हमारा जो कर्तव्य इस देश के प्रति हम उसको पूरी प्रामाणिकता से, शुद्ध भाव से करेंगे। क्रुद्ध भाव
अब सबको छोड़ देना चाहिए। चुनाव के समय एक बहुत बड़ा संघर्ष होता और उसमें वार प्रतिवार होता है, और अब मुझे लगता है कि सबको सब जो है मन मुटाव मिटा करके, सब मतभेद मिटा करके साथ देना चाहिए मोदी जी का देश को बनाने के लिए, देश का विकास करने के लिए। जयललिता जी, मायावती जी और ऐसे तमाम नेता जो अब तक दूर दूर थे, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे मोदी जी के पक्ष में? कुछ और? मैं तो कहूंगा मोदी जी जिस प्रांत का जयललिता जी और ममता जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन प्रांतों के बारे में भी अच्छा सोचेंगे। मोदी जी किसी के प्रति विद्वेष रख करके देश में काम नहीं करेंगे। धन्यवाद।